आप एक कंट्री में आते हो, वहां की 90% पीपल इलिटरेट है, 90% पीपल पावर्टी से सफर कर रही है, वो कंट्री नेशन है ही नहीं, मतलब देयर इज नो नेशन, कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, और उस कंट्री के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, खाने को नहीं है। उस कंट्री में आपको लोगों को सड़क पे लाना है मास मूवमेंट के लिए, क्या करोगे आप? ये मेरा सवाल है आपसे। सर मतलब उनको मतलब कंट्री के 90% लोग इलिटरेट है जी, 90% पावर्टी से सफर कर रहे हैं, नेशन है ही नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है, उस कंट्री में आप लोगों को सड़क पे ला रहे हो मास मूवमेंट करने के लिए, कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट तो सर एजुकेशन, मतलब उनको किसी तरीके से तो चैनलाइज करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे आप बताओ, कैसे आप चैनलाइज करो, कैसे करोगे? इंस्टाग्राम। तो उस 1920 के दौर में गांधी जी कम्स टू इंडिया जी, ही कम्स टू इंडिया एंड ही अंडरस्टैंड सर्टेन फॉर्मूलाज। जैसे जिंदगी में अगर किसी को करीब लाना है तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं, जैसे टीवी में ऐड आते हैं, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, लड़कियां उससे बात नहीं कर रही, नेक्स्ट डे वो डीओ लगा के जा रही है, परिया कर रही है उसके ऊपर। तुम्हें उस आदमी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसको चाहिए क्या? द मोस्ट कीवर्ड इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्ट जी, एंड गांधी जी अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने हर रीजन, जैसे पंजाब का आदमी है तो वहां एक मुद्दा था अकाली मूवमेंट, बोले यू विल फाइट ऑन दैट इशू, लोकल इशूज नेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज वॉट वी लर्न वाइल स्टडिंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। अगर एजुकेशन में दो चीज नहीं है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग, तो इट इज अ वेस्ट।